काबुल एयरपोर्ट पर हो सकता है बड़ा हमला। अमेरिकी सैनिकों पर फिदायीन हमले की साजिश की जा सकती है। 31 अगस्त से पहले एयरपोर्ट पर हमले की आशंका जाहिर की जा रही है। तालिबान आईएसआई ने हमले के लिए ऑपरेशन कमांडर बना दिया है। सलीलुल्लाह मुजाहिद को हमले की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है, यानी कमांडर बना दिया गया है। सलीलुल्लाह मुजाहिद को इसकी कमान सौंपी गई है कि वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे। एक और बड़ी खबर आ रही है पंजशीर घाटी पर कब्जे को लेकर। यह बड़ी जानकारी है, पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान का आज से ऑपरेशन शुरू हो गया है। तालिबान के बद्री फोर्स के 2500 लड़ाके पंजशीर रवाना हो गए हैं। पंजशीर पर कब्जे के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय कर दी गई है। तब तक पंजशीर पर कब्जा कर रहे हैं तालिबान को। एक और बड़ी खबर, अफगान एयरफोर्स के पायलट को तालिबान ने धमकी दी है। तालिबान के लिए काम करें अफगान एयरफोर्स के पायलट, ये कहा गया है। काम नहीं करने पर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें, ये भी धमकी तालिबान की तरफ से अफगान एयरफोर्स के पायलट को दी गई है। कहा जा रहा है कि तमाम जो पायलट हैं अफगान एयरफोर्स के, वो तालिबान के लिए काम करें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें। एक और बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान में हारा है भारत। आईएसआई ने भारत को हराने के लिए तालिबान की मदद की, ये कहा है शेख रशीद ने। तो पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगता रहा है उसे खुद कबूल करते हुए सुनाई दिए हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद। कबूलनामा सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत को हराने की कोशिश की और इसके लिए तालिबान की मदद की अफगानिस्तान में। एक और बड़ी खबर आ रही है काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का बड़ा एक्शन सामने आया है। देश छोड़ रहे अफगान आर्मी के 300 सैनिकों को पकड़ लिया है। पकड़े गए सैनिकों को अज्ञात जगह ले गए हैं तालिबानी। वो अफगान सैनिक जो छोड़ना चाहते थे अफगानिस्तान को और एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका है और अज्ञात जगह पर ले गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए 10 दिन हो चुके हैं। तालिबान ने सरकार चलाने के लिए पहला ड्राफ्ट पेश कर दिया है। इसमें एक से बढ़कर एक खूंखार आतंकी के नाम शामिल हैं। आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के उस खलीलुर रहमान हक्कानी के नाम भी हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। जाहिर है कि ये तालिबान का अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चुनौती है। इतना ही नहीं, तालिबान ने एक बार फिर दोहराया है कि 31 अगस्त के बाद वो एक भी अमेरिकी सैनिक को अफगानिस्तान में नहीं देखना चाहता। 31 अगस्त के बाद काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह से तालिबान के कब्जे में होगा। तालिबान की चेतावनी और बैकफुट पर खड़े जो बाइडेन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। दर्द है, डर है, आशंका है, उम्मीद है और ये दृश्य है, ये उसी काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है। जो खौफ में लिपटे अफगानियों की उम्मीद स्थली बना हुआ है, जहां से उड़कर अमन पसंद अफगानी जिंदगी की नई आस देख रहे हैं। जहां पिछले 10 रोज से न भीड़ कम हो रही, न अफरा तफरी रुक रही, न ही रेस्क्यू पूरा हो रहा है। काबुल के किले पर तालिबानियों के कब्जे के बाद बाहर बंदूकधारी दहशतगर्दों का पहरा है और अंदर अमेरिकी जवानों का। यहां बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और जवान हैं। दीवार के बाहर तालिबान कोहराम मचा रहा है, कई लाशें गिर चुकी हैं। हालांकि लोग अंदर अमेरिकी जाबाजों की बंदूक के नीचे महफूज हैं। लेकिन अब इनके महफूजियत पर आशंकाओं के लिपटे सवाल उठ रहे हैं। सवाल है क्योंकि एयरपोर्ट पर मौजूद ये लोग अब सिर्फ चंद रोज सुरक्षित हैं। कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान कत्लेआम करने वाला है, क्या 144 घंटे बाद एयरपोर्ट पर लाशों के ढेर लगने वाले। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे, इसके पीछे है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जिद।
तालिबान की आक्रामकता और दुनिया की चुप्पी। अफगानिस्तान में तालिबान अपने अंतरिम सरकार को स्वरूप दे चुका है, अंतरिम मंत्री बनाए जा चुके हैं, मंत्रालय भी बांटे जा चुके हैं। कुल मिलाकर अफगानिस्तान को तालिबान के अपने हिसाब से चलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैनिक तालिबानियों के आंख में चुभ रहे हैं। तालिबान ने अमेरिकियों को उनकी गाइडलाइन की फिर याद दिलाई। अमेरिकी और नाटो सेना को किसी भी कीमत पर 31 अगस्त तक पठानलैंड छोड़कर जाने का फरमान सुना दिया गया है। अमेरिका तक संदेश देने के लिए तालिबान का मुरेठाधारी प्रवक्ता कैमरे के चमकते फ्लैश के सामने बैठा था। मगर वक्त अमरीकानामे खिलाफ कर दा مګ امریکان ته بیا پیغام ورکو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي ځکه دوی سره امکانات شته الوتکې لري میدان هم ورسره ده باید دوی خپل ټول ځواکونه وا ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي نور د افغانانو ایستلو موږ اجازه نه ورکو دې سره خوښم نه یو او له هغه نه یې خواته موږ دوی ته اجازه نه ورکو په هیواد کې بیا به موږ جلا موقف نیسو انشاءالله तालिबान ने साफ कर दिया है कि 31 अगस्त के बाद किसी भी कीमत पर अमेरिकी और नाटो सेना अफगानिस्तान में नहीं रहेंगी। तालिबान किसी भी हाल में डेडलाइन की लकीर को विस्तार देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि अमेरिका भी अपनी सेना को 31 अगस्त के बाद काबुल में रखना नहीं चाहता। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा है कि 31 अगस्त की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया। पेंटागन का दावा है कि हम इसे महीने के अंत तक पूरा कर लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी G7 के देशों से कहा है कि 31 अगस्त तक किसी भी सूरत में अमेरिकी आर्मी अफगानिस्तान छोड़ देगी। तालिबानी आतंकियों के सामने सुपर पावर की लाचारी को समझिए और जान लीजिए कि 31 अगस्त से काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का पूर्ण नियंत्रण होगा। हर एक अफगानियों की सांसों पर तालिबान बंदूकधारियों का पहरा होगा। जिसे तालिबानी चाहेंगे वही लोग अफगानिस्तान छोड़कर वापस जा सकते हैं। इस पर भी तालिबान की तरफ से साफ सरल स्पष्ट शब्दों में सूचना जारी कर दी गई। तालिबान का कहना है कि अफगान नागरिक देश छोड़कर ना जाए, खासकर अमेरिका को डॉक्टरों, इंजीनियरों और पढ़े लिखे एलीट वर्ग को नहीं ले जाना चाहिए। महिलाओं को अपनी सुरक्षा की वजह से घरों में ही रहना चाहिए। काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े तालिबानी बंदूकधारी बार बार लोगों को घर लौटने के लिए कह रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं, इंसानों की लाशें बिछा रहे हैं। इसके बावजूद काबुल एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम है। महिलाएं, बच्चे और पढ़े लिखे लोग काबुल छोड़कर अमेरिका या दूसरे मुल्क जाने के लिए तैयार है। इन्हीं लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ है। रिपोर्ट का दावा है कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर करीब 1,25,000 के आसपास लोग हैं जो अफगानिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हैं। काबुल एयरपोर्ट के आसपास ये भीड़ अभी भी बढ़ रही है। इसके अलावा अमेरिका के 6,000 सैनिक हैं जिन्हें अमेरिका सबसे पहले लेकर जाएगा। फिर अमेरिका ने उन लगभग 500 अफगान सैनिकों को भी बचाकर लाने की प्रतिबद्धता जताई जो काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में मदद कर रहे हैं। फिलहाल लोगों को निकालने के काम में अमेरिका और अन्य देशों के दर्जनों सैन्य और असैनिक विमान लगे हुए हैं और ये गति 31 अगस्त तक जारी रहती है तो भी इतनी जल्दी उन सब लोगों को अफगानिस्तान से निकालना संभव नहीं है। क्योंकि 14 अगस्त के बाद से अमेरिका 70,000 से 75,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकाल चुका है। बाकी देश भी करीब 20,000 से 25,000 लोगों को ही अब तक बाहर निकाल पाए। काबुल एयरपोर्ट से लोगों को रेस्क्यू करने की जो रफ्तार है वही रफ्तार अगले 6 दिन तक रही तो बड़ी तादाद में वहां पर लोग रह जाएंगे। किसी भी हालत में अमेरिका सभी 1,25,000 लोगों को वहां से निकाल नहीं पाएगा। ऐसे में जो लोग एयरपोर्ट पर बच जाएंगे, चार दीवारी के अंदर फंसे रह जाएंगे,
उनके साथ तालिबान क्या सलूक करेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है, वो भी तब जबकि अमेरिका सेना वहां नहीं रहेगी। अगर अमेरिकी सेना वहां रुकी और फिर तालिबानी आतंकियों ने एयरपोर्ट की सुरक्षा को अपने कब्जे में लिया, टकराव हुआ, आतंकियों ने हमला किया, तो फिर एयरपोर्ट को कब्रिस्तान में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 21 अगस्त को तालिबानियों की मर्जी पर एयरपोर्ट के चलने की वजह से वहां कत्लेआम की आशंका जताई जा रही है। सिर्फ एयरपोर्ट पर मौजूद लोग ही खौफ में नहीं हैं, ऐसे कई लोग हैं जो आतंकियों के निशाने पर हैं। शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ वार टाइम अलाइज का अनुमान है कि अभी कम से कम 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें वहां से निकालने की जरूरत है। इनमें अनुवादक, दुभाषी, ड्राइवर और अन्य ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने नाटो सेनाओं के साथ काम किया था। जुलाई से अब तक सिर्फ 62,000 लोगों को निकाला जा चुका है, बाकी अब भी वही तालिबानियों के बंदूक के साए में जी रहे हैं जो हर वक्त तालिबानियों के बंदूक की नोक पर रहते हैं। अब जब अमेरिका पूरी तरह से 31 अगस्त को निकल जाएगा अफगानिस्तान छोड़कर, तब तालिबान इनके साथ बर्बरता कर सकता है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय का दावा है कि जो 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में रह जाएंगे उनकी मदद की जाएगी और तालिबान पर दबाव बनाया जाएगा कि वो सुरक्षित अफगानिस्तान छोड़ सके। हालांकि जो बाइडेन के सरेंडर के बावजूद G7 देशों ने तालिबान को दो टूक जवाब दिया है। G7 देशों ने कहा है कि वो तालिबान की किसी डेडलाइन को नहीं मानेंगे और 31 अगस्त के बाद भी अपने लोगों को वहां से निकालना जारी रखेंगे। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था मसलन अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान ने साफ साफ कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों के सुरक्षित जीवन के लिए वो प्रतिबद्ध है। तालिबान से बस इतना कहना है कि वो सुरक्षित रास्ता दें। G7 देशों का कहना है कि अफगानिस्तान के लोग सम्मान, शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार रखते हैं। हमारी कोशिश होगी कि महिलाओं के अधिकारों समेत आतंकवाद और मानवाधिकार पर तालिबान को जवाबदेह बनाया जाएगा। इन सबके बीच यूरोपीय संघ ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने तक काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना तैनात रखने की मांग की, लेकिन जो बाइडेन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। 31 अगस्त तक किसी भी हाल में सेना को बुलाने पर तुले और यही चंद घंटे बाद काबुल एयरपोर्ट पर कत्लेआम की आशंका को आकार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।